हेलो गाइस, आज अपन एक मैथ के टॉपिक की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले अपन इसमें रेशियो की बात करेंगे। तो इसमें सिक्स रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो इसमें क्या होता है, एक अपन राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल से अपन सारे रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और इस एक कोण के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे सब रेशियोज में। तो सबसे पहले अपन ने साइन कोण ए इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो ये वाला एंगल अपना ए है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये है परपेंडिकुलर वाली बी सी भुजा अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल में कौन सी भुजा है, ये ए सी भुजा है, जिसको अपन करण कहते हैं। अब ऐसे ही अपन कोस कोण ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें, ये वाली भुजा ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनियस। अब इससे आगे अपन फिर टेन कोण ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी हो गई अपने पास, बी सी भुजा हो गई और बेस हो गई ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। अब कोट कोण ए इक्वल टू, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो वन अपॉन टेन कोण ए इक्वल टू इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया अपने पास ए बी ये वाली भुजा, और बी सी भी भुजा हो गई अपनी परपेंडिकुलर भुजा। तो इसके बाद में अपन सेक कोण ए इक्वल टू वन अपॉन कोस कोण ए इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपनी कौन सी भुजा है, ए सी भुजा है, और बेस कौन सी है, ए बी भुजा है। और कोसेक कोण ए निकालेंगे, कोसेक कोण ए क्या होता है, ये अपना साइन का उल्टा होता है, तो वन अपॉन साइन कोण ए इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपनी भुजा सबसे बड़ी भुजा है ए सी अपॉन ये बी सी, बी सी लंब है। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले लाल बट्टा कक्का लंब, और ए को अपन आधार कहेंगे और के को अपन करण कहेंगे। तो लंब बट्टा करण साइन होगा, आधार बट्टा करण कोस, लंब बट्टा आधार टेन। अब इसमें क्या होगा, जब इसका उल्टा करेंगे अपन, तो ये कोट आधार बट्टा लंब, सेक में क्या होगा, करण बट्टा आधार, कोसेक में क्या होगा, करण बट्टा लंब। अब इसको अपन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें भी यही होगा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनको याद करने की ये ट्रिक है, और हर क्वेश्चन में अपने काम आएगी ये रेशियो को निकालने के लिए। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अपनी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ये ए सी भुजा है, ये अपनी हाइपोटेनियस है, बी सी भुजा परपेंडिकुलर, ए बी भुजा बेस। तो अपन इसको एक एक एग्जाम्पल लेके इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। गिवन टेन ए इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो अपन ने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, जिसकी ए बी भुजा बेस, बी सी परपेंडिकुलर और ए सी भुजा हाइपोटेनियस। तो अपन को इसमें गिवन क्या है, गिवन है टेन ए इक्वल टू 4/3, तो ये रेशियो के फॉर्म में है, तो अपन इसको के मान लेंगे, 4K/3K। अपना टेन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपना बेस तो हो गया 3K और परपेंडिकुलर हो गया 4K। तो इससे अपन ऐसी भुजा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ऐसी भुजा कैसे निकालेंगे, इसमें अपन 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर, ये अपने पास क्या आएगा, 9K स्क्वायर प्लस 16K
3k² ac का स्क्वायर, ac स्क्वायर बराबर 25k² ac इक्वल टू, इसका रूट लेंगे तो 5k अपने पास इसकी वैल्यू आएगी, तो अपन यहाँ 5k लिख देंगे। ये सबसे बड़ी भुजा ac 5k आ गई अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सारे रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन साइन लेंगे, तो साइन कोण ए इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपन यहां साइड में लिख सकते हैं लाल बट्टा कक्का, इससे ये तो परपेंडिकुलर अपने पास 4k अपॉन 5k, k से k कट जाएगा 4/5। अब ऐसे ही कोस निकालेंगे, कोस कोण ए इक्वल टू, कोस क्या होता है, आधार बटा करण, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सी भुजा अपनी, ये वाली भुजा ए बी, 3k अपॉन हाइपोटेनियस अपन ने निकाला था 5k, के से k कट जाएगा 3/5। अब इसमें क्या करेंगे अपन, टेन कोण ए इक्वल टू, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कौन सी भुजा अपनी, ये बीसी भुजा और बेस ए बी भुजा, तो लंब बटा आधार इक्वल टू 4k अपॉन 3k, k से k कट जाएगा 4/3। अब ये भुजा अपन को दे रखी है और अपन निकाल भी ली इससे, तो इसका मतलब ये सेम आ रही है, कोट कोण ए इक्वल टू, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3k और परपेंडिकुलर 4k, के से k कटेगा तो 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, सेक निकालेंगे, सेक कोण ए, सेक क्या होता है, सेक होता है अपना कोस का उल्टा, जो कोस की वैल्यू आई उसकी उल्टी वैल्यू आएगी, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 5k अपॉन 3k, के से k कट जाएगा 5/3। अब ऐसे ही अपन कोसेक निकालेंगे, कोसेक कोण ए इक्वल टू, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपने पास 5k, परपेंडिकुलर 4k, के से k कट जाएगा 5/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो अपन इस ट्रिक से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए अपन ने। तो अपन एक एग्जाम्पल और लेके बात करते हैं इस पे। जैसे अपन ने ये क्वेश्चन लिया, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ टेन ए इक्वल टू 1, देन वेरीफाई डेट 2 sin a कोस ए इक्वल टू 1। तो इसमें भी अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लिया, जिसकी सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस, ये वाली भुजा परपेंडिकुलर, क्योंकि अपन कोण ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और ये भुजा बेस हो गई अपने पास। तो अपन को गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी में गिवन है अपन को टेन ए इक्वल टू 1। अब टेन क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इक्वल टू 1 हो गया। अब परपेंडिकुलर अपने पास साइड कौन सी है, बी सी, और बेस कौन सी है, ए बी, ये भुजा बी सी, ये परपेंडिकुलर हो गई, और ये ए बी भुजा है, ये अपने बेस है, तो इक्वल टू 1। अब बी सी इक्वल टू ए बी, इसको अपन क्या करेंगे, के मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि अपन को निकालना क्या है, साइन ए कोस ए की वैल्यू अपने पास आ जाए, तो अपन इसको एक इसके इक्वल में प्रूव कर दें इस चीज को। तो अपन सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी क्या अपने पास, अपन ने के माना था, तो के का स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी के है, तो के का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू अपन रूट ले लेंगे इसका, तो 2k² का रूट ए सी इक्वल टू, अब इसको रूट से बाहर लेंगे तो के तो बाहर आ जाएगा, रूट 2 रह जाएगा अपने पास, तो ये ए सी की वैल्यू आ गई अपने पास रूट 2k। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसमें
साइन ए निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू, साइन क्या होता है अपने पास, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी भुजा। तो बी सी अपन कितनी है अपने पास, के मानी थी अपन ने, के अपॉन ए सी अपन ने निकाली थी रूट टू के, तो के से के कट जाएगा वन अपॉन रूट टू। अब ऐसे ही अपन कोस की वैल्यू निकाल लें, कोस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या अपने पास, ए बी भुजा है, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी भुजा कितनी है, के है, और ए सी है रूट टू के, तो के से के कट जाएगा वन अपॉन रूट टू। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टू साइन ए कोस ए, तो टू इंटू साइन ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली वन अपॉन रूट टू, कोस की भी निकाल ली वन अपॉन रूट टू, टू इंटू, अब वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू क्या होता है, वन अपॉन टू, और इस टू से ये टू कट जाएगा तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी वन। यही अपन को प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड आ गई अपनी। अब क्या करेंगे, अब इस ट्राइंगल के थ्रू अपन साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी अपन ने, तो ये अपना एक राइट हैंड साइड आ गई। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है अपना इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इक्वल टू सेवन सेमी एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू वन सेमी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। अब इसकी अपन को साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी ओ क्यू। अब इसमें क्यू कोण के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर साइड हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये अपनी बेस हो गई। अब अपन को इसमें गिवन क्या है, अपन को गिवन है ट्राइंगल ओ पी क्यू में गिवन है ओ पी इक्वल टू सेवन सेमी, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू वन सेमी। अब इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अपने पास यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू इक्वल टू वन प्लस पी क्यू। अब यहां पुट करेंगे ये वैल्यू, वन प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस, अब ओपी की अपने को वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में सेवन सेमी, तो यहां पुट करेंगे सेवन का स्क्वायर। इसको कैसे खोलेंगे अपन, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू पी क्यू इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49। अब ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो अपने पास 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49। अब इस 1 को इस साइड ले आएंगे तो 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू इक्वल टू 48, और पी क्यू की वैल्यू आएगी अपने पास 48 बाय 2 इक्वल टू 24 सेमी। अब ये पी क्यू की वैल्यू अपन यहां रखेंगे तो अपने पास ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो ओ क्यू इक्वल टू वन प्लस 24 इक्वल टू 25 सेमी। अब अपन क्या करेंगे कि साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन साइन क्यू लेंगे। तो साइन क्यू क्या होता है, साइन क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर भुजा कौन सी है, ओपी अपॉन ओक्यू। ओपी अपन को दे रखी है 7 सेमी, ओक्यू अपन ने निकाली थी 25, तो 7 अपॉन 25 सेमी। कोस क्यू इक्वल टू, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपन को कौन सी भुजा है अपने, क्यू पी अपॉन हाइपोटेनियस ओक्यू, तो पी क्यू अपने पास ये निकाली हुई है 24 अपॉन ओ क्यू 25 सेमी, तो ये अपन ने
साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू निकाल ली। इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आप सोल्व करें घर पे। तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन नोट करें। ये अपना क्वेश्चन है, इफ ए एंड कोण क्यू आर एक्यूट एंगल सच डेट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू द प्रूव डेट कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है। अब अपन इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।